और अब बिलासपुर से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। थोड़ी ही देर में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर पहुंचने वाले हैं। रेलवे ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। एक मेगा कार्यक्रम यहां पर, जिसके लिए तमाम तैयारियां बीते दिनों से चल रही थी। आज मध्य प्रदेश में भी मेगा रोड शो जेपी नड्डा का रहा और अब कुछ ही देर बाद बिलासपुर पहुंचने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कुछ ही देर बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात, नेताओं से बातचीत और साथ ही साथ एक बार फिर से जीत का मंत्र देने के लिए जेपी नड्डा बिलासपुर की धरती पर पहुंचेंगे। रेलवे ग्राउंड में जनसभा को सबसे पहले संबोधित करने वाले, उसके बाद हो सकता है कि पार्टी के नेताओं के साथ बैठकें हों, लेकिन फिलहाल यह जानकारी कि बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुट चुके हैं, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं जेपी नड्डा की एक झलक पाने के लिए। जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ हर एक कार्यकर्ता आतुर, जीत का मंत्र देने के लिए कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा बिलासपुर दौरे पर। सहयोगी युगल तिवारी का हम रुक कर लेते हैं, लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल, ये बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं, क्या स्थिति वहां पर? जी देखिए, बिल्कुल हेलीपैड पे कुछ देर बाद ही जेपी नड्डा पहुंचेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और हम मंच की स्थिति, मंच किस तरह से देख सकते हैं आप, ओम माथुर भी यहां पर मौजूद है, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी मौजूद हैं, यहां के जो पूर्व मंत्री हैं बीजेपी के अमर अग्रवाल भी मौजूद हैं। साथ ही साथ मैं अपने सहयोगी राजेंद्र जी से कहूँगा कि दिखाए कि किस तरह से हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, पूरे प्रदेश भर से जो यहाँ पर आए हैं। पूरा इंस्टीट्यूट का जो स्टेडियम है, फुटबॉल स्टेडियम, पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के जेपी नड्डा, उसके भाषण को सुनने के लिए, संबोधन को सुनने के लिए बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर आए हैं। विधानसभा चुनाव हो जाते इसका होना है और ऐसे में बीजेपी को नहीं छोड़ना चाहती है। और हर स्तर पर म्यूनिसिपल हो या फिर तमाम स्थानों पर जो सभाएं हैं वो की जा रही हैं। राष्ट्रीय स्तर के जो नेता है, केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी का आला नेता है, तमाम लोग लगातार दौरा कर रहे हैं। और जैसे कि आज जेपी नड्डा आएंगे और कल राजनाथ सिंह जाएंगे, कांकेर में जाएंगे। केंद्र सरकार का 9 साल के वर्ष हुआ है, 9 साल का उसका पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। विकास कार्यों का यहाँ पर जो बताया जा रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि 2023 के पूर्व ये पूरी तैयारी है, पूरी तरह से भाजपा चुनावी मोड में आ चुकी है। बिल्कुल चुनावी मोड में आ चुकी है, साथ ही साथ जीत का मंत्र देने के लिए जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, ये बात भी लगातार बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। युगल, ये भी बताइएगा कि आगामी कार्यक्रम क्या कुछ रहेंगे, सिर्फ जनसभा को यहाँ पर संबोधित करेंगे या फिर बैठकें भी होने वाली है? अभी फिलहाल के एक महती सभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद जो ग्रीन रूम है वहाँ पर आला प्रदेश के आला नेताओं से चर्चा करेंगे, राय शुमारी करेंगे। और यहाँ खुद जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी है वो माथुर है, नितिन नवीन है, तमाम छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी हैं वो भी मौजूद है। और ये कहा जाता है कि ये ऐसे रणनीतिकार हैं जो यहाँ पर आएंगे और रणनीति बनाएंगे और विधानसभा चुनाव में किस तरह से बीजेपी को करारी शिकस्त जो भी मिली, और वो बीजेपी लगातार वापस आना चाहती है, सत्ता के लिए इस तरह से संघर्ष लगातार कर रही है। हालांकि 15 साल तक बीजेपी ने शासन किया, लेकिन 15 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रही थी। ऐसी क्या वजह रही है? तमाम खामियां है वो ढूंढा जा रहा है, जनता के बीच जा रहा है, राज्य सरकार की नकामी को ढूंढता है, हर मंच से गाँव गाँव जाकर के बता रही है। तो इसके अलग अलग तो कांग्रेस भी लगातार बीजेपी का मुकाबला कर रही है, लेकिन यहाँ पर सभा के बाद यहाँ बीजेपी के आला नेताओं के साथ अभी कुछ देर की एक बैठक होगी, चंद दिनों की बैठक रहेगी, लेकिन उसमें राय शुमारी की जाएगी। और लगातार केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, वो यहाँ पर आ रही है और लगातार सभाएं भी हो रही है, दौरा भी किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री से लेकर के संगठन से जुड़े हुए तमाम जो नेता है लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, और छत्तीसगढ़ केंद्र के बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के निशाने पर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जीत दर्ज बीजेपी कर रही है। निश्चित ही, और कुछ ही देर पहले युगल हमने जेपी नड्डा को खरगोन की धरती पर भी सुना, विपक्ष को लेकर लगातार निशाना साध रहे थे, और ये कहीं ना कहीं बातें जो कि पार्टी को यहां पर मजबूत बना सकती हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम जेपी नड्डा यहां पर कर सकते हैं। एक बार फिर से हम चाहेंगे ये तस्वीरें आप दिखा दें कि कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर एकजुट हुए हैं बीजेपी को सशक्त बनाने का प्रयास करते हुए।
देखिए बिल्कुल मैं अपने सहयोगी राजेंद्र जी को यहाँ के बिना दिखाए मंच के जिस ओर भी आप नजर डालेंगे लगता है बड़ा ही पूरी ग्राउंड खचाखच भरा हुआ है। यहाँ तक के जो पवेलियन है लोग वहाँ पर भी बैठे हुए हैं, बाहर कुर्सियाँ भी लगाई गई हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अधिकारी आए हुए हैं। चलिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच चुके, इंतजार है उन तस्वीरों का कि जब जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुंचे युगल लगातार नजरें बनाए रखेगा। फिलहाल अब रुक करेंगे एक और बड़ी जानकारी का, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर सीएम की तरफ से बयान सामने आया है। भाजपा के सभी नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। भूपेश बघेल की तरफ से कहा जा रहा है पार्टी पर कब्जा करने के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं बीजेपी के नेता, कभी धरमलाल कौशिक, कभी नारायण चंदेल, कभी विष्णुदेव साय, कभी अरुण साव लड़ाई करते हैं, साथ ही साथ पहले वे अपनी पार्टी को ठीक कर लें, ये भी कहा है मुख्यमंत्री ने। प्रदेश अध्यक्ष का भी थोड़ा मान रखा जाए, बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये कहना था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। अभी अब नड्डा जी आ रहे हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी संभाग पर कब्जा करेंगे कह रही है बीजेपी। देखिए ये तो अपने पार्टी में लोग कब्जा करने के लिए लड़ रहे हैं। कभी नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, कभी नारायण चंदेल, कभी विष्णु देसाई, कभी अरुण साव, लड़ाई उसके बीच में चल रही है, वो पहले अपना पार्टी ठीक कर ले। तो आप देख रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से भी निशाना साधा जा रहा है, देखना होगा क्या कुछ आगे होता है। बहरहाल बात करेंगे कोंडा गांव की, जहां दिलचस्प खबर सामने आई है। अड़ती पर लेटी महिला जिंदा हो गई। माकड़ी के गागड़ा गांव में कैंसर से पीड़ित बुजुर्ग महिला का शरीर से काफी खून रिसाव हो रहा था, उसके कारण शरीर भी ठंडा पड़ गया। घर के लोगों को लगा कि मौत हो गई और उसके बाद घर के लोग महिला के अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट गए, लेकिन ये तस्वीरें चौंका देने वाली, एक बार फिर से महिला जिंदा होती। दोनों रिद रही तो देखो यार कैसा कुन आई कैसा आप भी बोला, मैं वो बोला कि बाद में आँख ही कान बटार दिया ऐसे तरता तर होकर जीव को न मार दिया, मैं जीव की भी तुरंत थोड़ा सा निकाला जीव को और आँखी को लेते हैं। विवेक अचानक से इस तरह से मौत हो जाने का मामला और फिर जिंदा हो गई महिला। जी हाँ जी, बड़ा अजीबोगरीब मामला है। सबसे बड़ा ये था कि महिला को कैंसर था, मुंह में कैंसर था और इसको उसके पति ने अचानक महिला को कुछ भूख लगी तो उसको उसने अपने खाने को खाना खिलाया और जैसे खाने के बाद में महिला अचानक खून की उल्टी करती है और उसके बाद उसका पूरा शरीर अकल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। चौंका देने वाला ये पूरा मामला है विवेक, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।